दिल्ली का भरत मंडपम बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए सज धज कर तैयार है। शुरुआत कमल के बड़े से आकार जो चुनाव चिन्ह है उससे हो रही है। इसकी यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता है वो आएंगे और तमाम ये जितनी योजना चलाई गई है बीजेपी के द्वारा, स्वच्छ तीर्थ हो, गांव चलो हो, सेवा पखवाड़ा हो, कोरोना काल में सेवा यज्ञ हो, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, इतने भी कार्यक्रम चले हैं। इसके अलावा सामने ये जो तमाम किताबें हैं, कई किताब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का संकलन है। ये सब रखा गया है कि जो कार्यकर्ता आएंगे वो इसको पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद यात्रा दिखाई गई है बीजेपी की कि कैसे 203 लोकसभा की सीट की यात्रा बीजेपी ने तय की है। 1984 में 2 सीटें, इसके बाद सीधा बीच में कभी सीट बढ़ी कभी घटी, लेकिन 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें बीजेपी लाई है और इस बार का टारगेट 24 में 370 सीटों का है। कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम, ये जो पूरा एग्जीबिशन एरिया है जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, जो तमाम 11,500 जो कार्यकर्ता आ रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए डेलीगेट्स राष्ट्रीय महाधिवेशन में, उनके लिए है। इस सरकार ने अब तक क्या किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं, मेड इन इंडिया फोन, जो कि भारत आज स्टार्टअप का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है, और ये है तमाम चीजें जो है वो है मोदी की गारंटी। इसी थीम पे बीजेपी इस बार चुनाव 2024 का लड़ेगी और पूरी तैयारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2024 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट फिक्स किया है 370 सीटों का, उसको कैसे पाना है, किस आधार पे पाना है, उसका पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये तमाम चीजें, 3 तलाक, 53 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, ये है मोदी की गारंटी। 80 करोड़ से अधिक भारतीय आज तेज और सस्ते इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कुल सरकार की जो उपलब्धियां है वो एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया गया है। और जाहिर सी बात है कि इस आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल अपनी बात रखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जेपी नड्डा संबोधन भाषण कल करेंगे, उसके बाद परसों, कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी, उसमें वो मौजूद रहेंगे, पूरे दिन रहेंगे, 18 तारीख को भी पूरे दिन रहेंगे। दो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे, इसमें मोदी सरकार की उपलब्धि के साथ राम मंदिर को भी जोड़ा जाएगा। सबसे खास बात, 18 तारीख को जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो टोटल 11,500 जो बीजेपी के डेलीगेट्स आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिर में जीत के मंत्र के साथ दिल्ली से अपने अपने क्षेत्रों में रवाना होंगे। यानी ये जो बैठक कल से शुरू होने वाली है जिसमें एग्जीबिशन का उद्घाटन आज जेपी नड्डा ने किया है, इसके जरिए बीजेपी 370 के आंकड़े तक पहुंचने का प्रयास करेगी, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। तो ये राष्ट्रीय महाधिवेशन 370 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए बुलाई गई है। मार्गवरत, V24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।